खेल संग्राम में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 9 के 41वें दिन गुजरात लॉयंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत खराब रही। कप्तान गंभीर 8 के स्कोर पर रन आउट हुए। अगले ही ओवर में मनीष पांडे सिर्फ 1 रन बना स्मिथ की गेंद पर रैना के हाथों कैच हुए। 19 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे रॉबिन उथप्पा को भी स्मिथ ने विकेटकीपर कार्तिक के हाथों कैच करा नाइट राइडर्स को तीसरा झटका दिया। चावला भी 11 रन बना स्मिथ की गेंद पर बोल्ड हुए। शाकिब भी 3 रन बना स्मिथ की गेंद पर द्विवेदी के हाथों कैच हुए। इस बीच यूसुफ पठान और सूर्य कुमार ने 5.2 ओवर में 6 विकेट के लिए 41 रन जोड़े। 14 गेंदों में 17 रन बना सूर्य कुमार शादाब की गेंद पर धवल के हाथों कैच हुए। इसके बाद 36 रन बनाकर खेल रहे यूसुफ पठान धवल की गेंद पर रैना को कैच दे बैठे। होल्डर को 13 रन पर ब्रावो ने फिंच के हाथों कैच करा चलता किया। सुनील नारायण 2 और मोरकल 1 रन पर नॉट आउट रहे। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 124 रन बनाए। डिवेन स्मिथ ने 4 विकेट झटके, वहीं धवल शादाब और ब्रावो ने 1-1 विकेट चटकाए। जवाब में उत्तरी गुजरात लॉयंस को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। ओपनर डिवेन स्मिथ बिना कोई रन बनाए अंकित की गेंद पर उथप्पा के हाथों कैच हुए। अगले ओवर में मैकॉलम 6 रन बना सुनील नारायण की गेंद पर LBW हुए। 12 रन बनाकर खेल रहे दिनेश कार्तिक को मोरकल ने बोल्ड किया। इसके बाद रैना और फिंच ने 4th विकेट के लिए 6 ओवर में 59 रन जोड़े। अरोन फिंच 23 गेंदों में 26 रन बना रन आउट हुए। कप्तान सुरेश रैना ने 36 गेंदों में 1 छक्का और 7 चौके लगा 53 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वहीं जडेजा भी 11 रन पर नॉट आउट रहे। और इस तरह गुजरात लॉयंस ने 13.3 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बना मुकाबला अपने नाम किया। मोरकल अंकित और सुनील नारायण ने 1-1 विकेट चटकाए। 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेट झटकने वाले लॉयंस की जीत के हीरो डिवेन स्मिथ मैन ऑफ द मैच बने। IPL 9 में आज देखिए दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।